हेलो, वेलकम टू माय चैनल टेडी एंड वर्ष। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी एंड्रॉयड गेम, चाहे वो पबजी हो, चाहे वो कैंडी क्रश हो, चाहे कोई भी एंड्रॉयड गेम हो, उसको आप कैसे स्ट्रीम कर सकते हैं डायरेक्टली अपने मोबाइल फोन से किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब हो, मिक्सर हो, फेसबुक हो, ट्विच हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं डायरेक्टली अपने मोबाइल से। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि पबजी या कोई भी एंड्रॉयड गेम आप कैसे स्ट्रीम कर सकते हो और आपको कौन कौन सी डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताना चाहता हूं कि ये सॉल्यूशन जो है थोड़ा एक्सपेंसिव है। थोड़ा मतलब कि लगभग लगभग 20,000 का। आप कुछ डिवाइसेस तो सस्ती खरीद सकते हो, बट मेजर पोर्शन ऑफ जो डिवाइसेस है वो आपको ओरिजिनल और एक्सपेंसिव ही खरीदनी पड़ेगी, तभी ये सॉल्यूशन काम करेगा। अगर आप इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप अभी इस चैनल को या इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। तो अब उन लोगों के लिए जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस लगेंगे और इसको कैसे अचीव किया जा सकता है, उसके लिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब जो आप स्क्रीन पे डिवाइसेस देख रहे हो, ये सारे डिवाइसेस आपको चाहिए मोबाइल से स्ट्रीम करने के लिए कोई भी एंड्रॉयड गेम यूट्यूब पे या कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप इस डिवाइस के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को कंटिन्यूअसली यहाँ से ही देखते रहें, नहीं तो स्क्रीन पे दिए हुए टाइम स्टैम्प पे स्किप करें जहाँ पे मैं सेटअप एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले जो आपको डिवाइस चाहिए वो आपका है टाइप सी टू HDMI कन्वर्टर, जिसकी इमेज आप अभी इस वीडियो में देख रहे हो। ये अमेजोन बेसिक से मैंने खरीदा है। इसकी कॉस्ट लगभग लगभग 2,500 रुपये थी। तो अगर आप चाहो तो एक लोकल वर्जन भी खरीद सकते हो, पर अमेजोन बेसिक का ये प्रोडक्ट वाकई में कमाल का है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सोच के कि ये तो एक मामूली सा कन्वर्टर है, बट जो इसकी क्वालिटी है, जिस तरीके से ये काम करता है, एक एक पैसा वर्थ है। अब ये डिवाइस इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि इसमें टाइप सी टू HDMI तो है ही है, साथ में एक USB पोर्ट प्लस टाइप सी पोर्ट एक्स्ट्रा है। उनका क्या यूज़ है वो मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा। अब ये डिवाइस आप एंड्रॉयड फ़ोन में तो यूज़ कर सकते हो, स्पेशली मेरा फ़ोन जो है वो सैमसंग S8 है। आपके पास डिफरेंट मॉडल हो सकता है, सैमसंग हो सकता है, एप्पल हो सकता है, तो अपने फ़ोन के हिसाब से आप कनेक्टर ले सकते हो। बट याद रहे, एक साइड HDMI पोर्ट होना चाहिए और दूसरे साइड जो भी आपके चार्जिंग पोर्ट में जा सके। अब जो नेक्स्ट आइटम है वो बहुत ही सिंपल है, वो एक HDMI केबल है। इसको आपको दो क्वांटिटी में खरीदना है। कोशिश करके अगर सबसे अच्छी क्वालिटी का खरीद सके तो वो खरीद लें, वैसे कोई भी HDMI केबल चल जाएगी। बट याद रहे, एक से भी काम चल जाएगा, दो होंगी तो वो बेहतर होगा। केबल मैंने 10 फीट लंबी खरीदी है, जो कि मुझे करीब करीब 400 से 500 की पड़ी थी, फ्लिपकार्ट से खरीदी थी। आप भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं चाहे तो, या कोई लोकल मार्केट। अब जो नेक्स्ट आइटम है वो है आपका वीडियो कैप्चर डिवाइस, जिसका नाम है एल्गाटो HD60S। मार्केट में और भी वीडियो कैप्चर डिवाइस आते हैं, बट आई वुड रिकमेंड एल्गाटो HD60S इफ़ यू हैव अ लैपटॉप, बिकॉज ये एक्सटर्नल है। इंटरनल वीडियो कैप्चर डिवाइस है तो वो भी काम करेगा। किसी और कंपनी का डिवाइस है वो भी काम करना चाहिए। ये इस सोल्यूशन की सबसे महंगी डिवाइस है। इसकी कीमत लगभग लगभग 12,000 रुपये है। नेहरू प्लेस में आपको नहीं मिलेगी, ऑनलाइन ये डिवाइस मिलेगी, तो आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आइटम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्गाटो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिवाइस को कहते हैं HDMI स्विच। पिक्चर आप देखिए, आप कोई और डिवाइस नहीं लेंगे, आप यही मेक और यही मॉडल लेंगे तो ही ये सोल्यूशन काम करेगा। मैंने इस तरह की काफ़ी डिवाइसेस यूज़ करी हैं, चीप वर्जन, एक्सपेंसिव वर्जन, बट इस डिवाइस को ही आपको खरीदना है, क्योंकि यही एक डिवाइस है जो कि 100% काम करेगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अब ये डिवाइस मेरे को पड़ा था 2,500 रुपये का, अमेजोन पे मिला था। आप कोई और ऑनलाइन साइट भी देख सकते हैं, लोकल मार्केट भी देख सकते हैं, जहाँ आपको सस्ता मिल सके, बट मैंने ये डिवाइस 2,500 का खरीदा था। अब इस डिवाइस की खासियत क्या है?
खासियत ये है कि ये डिवाइस HDCP कंप्लाइंट है। इसका मतलब ये है कि इस डिवाइस से आप अपने मोबाइल का कंटेंट कैप्चर कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हो और कैप्चर कार्ड से वीडियो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर पे। HDCP रिस्ट्रिक्शन इसलिए होता है ताकि आप कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट लाइव स्ट्रीम ना कर सको या उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड ना कर सको। तो प्लीज इस डिवाइस को अपना कंटेंट अपलोड करने के लिए या लाइव स्ट्रीम करने के लिए यूज करना, पायरेसी के लिए नहीं, वरना प्रॉब्लम में फंस सकते हो। लास्टली आपको दो डिवाइस चाहिए हैं जो मुझे लगता है वो आपके पास होंगे। एक तो हो गया पीसी या लैपटॉप, दूसरा हो गया मोबाइल फोन। तो जाहिर है आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास लैपटॉप या पीसी जरूर होगा और एक मोबाइल फोन तो होगा ही होगा जिससे आप स्ट्रीम करना चाहते हो। तो जैसे कि अब हमने डिवाइस के बारे में समझ लिया है, अब देखते हैं ये सेटअप कैसे करना है जिससे कि ये फुल प्रूफ काम करे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पबजी मोबाइल मेरे 55 इंच पे एकदम HD क्वालिटी में दिख रहा है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका सेटअप कैसे करना है। टीवी पे आपको दिख रहा है, लैपटॉप में आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन लैप का UI है जिसमें दिख रहा है, और ये मेरा मोबाइल है जिससे कि ये कनेक्टेड है। अब मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि ये कंप्लीट सेटअप कैसे होगा, कौन कौन सी डिवाइसेस कहाँ कैसे कैसे लगेंगी जिससे कि आप पबजी मोबाइल स्ट्रीम कर सको डायरेक्ट यूट्यूब या किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे यूजिंग दीज डिवाइसेस। तो पहली डिवाइस जो आपको चाहिए वो है HDMI कनेक्टर, जो कि टाइप सी टू HDMI कनेक्टर है। अमेजोन बेसिक का प्रोडक्ट है, क्वालिटी आप देख ही रहे हैं उमदा है। गेम लॉन्च कर लीजिए, डिवाइस कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आप HDMI केबल को कनेक्ट करिए HDMI पोर्ट पे कनेक्ट करके। यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट भी दिया हुआ है जिससे कि आप गेम खेलते खेलते अपना मोबाइल डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं। यही मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये डिवाइस मल्टीपर्पज़ और बहुत ही अच्छा है। बैटरी का इश्यू नहीं होगा क्योंकि आप गेम खेलते खेलते फ़ोन चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग स्टैंडर्ड होगी, फास्ट चार्जिंग नहीं होगी क्योंकि ये कनेक्टर सिर्फ स्टैंडर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है। अगर आपको फास्ट चार्जिंग वाला कनेक्टर चाहिए तो उसके लिए आप अमेजोन पर ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है HDMI केबल को लेके आप अपने सेकेंड डिवाइस पे कनेक्ट करोगे। ये सेकेंड डिवाइस जो आपका कनेक्ट होगा फ़ोन के थ्रू आएगा और जाके HDMI स्विच पे लगेगा, स्विच या स्प्लिटर इसको कहते हैं। याद रहे डिवाइस आपको किसी ब्रांड की खरीदनी है, कोई और ब्रांड शायद काम ना करे तो मैं यही सजेस्ट करूँगा। ये पावर लाइट है, पावर बटन है, ये आउटपुट लाइट है, ये इनपुट है। क्योंकि मेरे सारे वायर कनेक्टेड हैं तो सारी लाइट स्विच ऑन है। जैसे जैसे आप कनेक्ट करते जाओगे आप भी देख सकोगे कि आपके डिवाइस में लाइट ऑन हो गई। इनपुट के पोर्ट 3 है, आउटपुट का पोर्ट 1 है। कैसे कनेक्ट करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप वायर देख रहे हो ये बेसिकली आउटपुट पोर्ट है, एंड जो गोल्डन वायर है ये हमारे मोबाइल से आ रही है, और जो राइट में वो मेरे सेकेंड इनपुट से कनेक्टेड है जो कि मेरा एक्सबॉक्स है क्योंकि मैं मल्टी स्ट्रीम करता हूँ। याद रहे फिर से गोल्डन वायर जो है वो मोबाइल से आ रहा है, जो राइट में वायर है वो एक्सबॉक्स के लिए है, और जो ये लेफ्ट में है ये हमारा आउटपुट है। तो इस वायर को कनेक्ट करना है आपको आपके अलगाटो HD60S के इनपुट पोर्ट में। याद रहे इनपुट में करना है, आउटपुट स्विच से आ रहा है और इनपुट अलगाटो में जा रहा है। ये केबल जो है ये है अलगाटो को पावर देने के लिए, जो कि आपके टाइप सी है, कनेक्ट होगी डिवाइस पे, वहाँ से जाएगा लैपटॉप में USB पोर्ट में, ये आपको आपके डिवाइस पे पावर देगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास भी गेमिंग कंसोल है तो आप भी मेरी तरह मल्टी कनेक्शन कर सकते हो। मोबाइल का गोल्डन कोड से है, एक्सबॉक्स का ब्लैक कोड से है, एक्सबॉक्स आउटपुट पोर्ट से आपके HDMI स्प्लिटर के इनपुट पोर्ट पे वायर कनेक्ट करनी है। दैट्स इट। और
सॉरी मैं कनेक्शन दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है, पर याद रहे एक्सबॉक्स आउटपुट पोर्ट से एचडीएमआई स्प्लिटर के इनपुट पोर्ट में एचडीएमआई केबल कनेक्ट करनी है। नेक्स्ट, अब वीडियो कंटेंट कैसे लेके जाएं टीवी तक, तो एल्गाटो SD60S के आउटपुट पोर्ट में एक एचडीएमआई केबल कनेक्ट करना है जो कि जाएगा टीवी के एचडीएमआई इनपुट पोर्ट में। याद रहे एल्गाटो के आउटपुट पोर्ट से टीवी के इनपुट पोर्ट में कनेक्ट करना है, बहुत ही सिंपल है ये कनेक्शन। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये कनेक्शन ज़रूर करें। तो अब हमारी डिवाइस पूरी तरह से कनेक्ट हो चुकी है, अब चलते हैं सॉफ्टवेयर पीस पे। सबसे पहले आपको दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं जो एल्गाटो के साथ आएगा, वो सिंपली बस इंस्टॉल करके उसको छोड़ दें। नेक्स्ट आप OBS खोल लें। OBS खोलने के बाद आप अपने डिवाइस कैप्चर पे जाएं। मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा इस वीडियो में कि डिवाइस कैप्चर कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए आप OBS ट्यूटोरियल देखें। डिवाइस कैप्चर में जाने के बाद सबसे ऊपर आपको सोर्स सेलेक्ट करना होगा, उसमें दो सोर्स आएंगे, एक आएगा एल्गाटो SD, उसको सेलेक्ट करें, और उसके बाद आएगा एल्गाटो 60 करके हैश नंबर 1। नंबर 1 जहाँ पे लिखा होगा ना वो आपका इनपुट सोर्स है, नंबर 1 इनपुट सोर्स, नंबर 2 इनपुट सोर्स, नंबर 3 इनपुट सोर्स। तो जहाँ पे भी आपने HDMI कनेक्ट किया है, मेरे में नंबर 1 पे कनेक्टेड है, तो उसी इनपुट सोर्स को आप सेलेक्ट करें, वही सोर्स आपको यहाँ पे वीडियो कंटेंट लेके आएगा। नेक्स्ट आपको आउटपुट मोड सेलेक्ट करना है। आउटपुट मोड आपका गेम ओनली मोड रहेगा, बट उसको सेलेक्ट करने से पहले आपको सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि आउटपुट डेस्कटॉप ऑडियो है। एक बार उसको सेलेक्ट करें और उसके बाद दोबारा गेम ओनली ऑडियो सेलेक्ट करें या कैप्चर ओनली ऑडियो सेलेक्ट करें, जिससे कि गेम की वॉइस एकदम क्लियर आएगी। डन पे क्लिक करें एंड आपका सेटअप रेडी है स्ट्रीम करने के लिए स्ट्रीम लैब OBS से। टेस्टिंग करके आपको मैं दिखा देता हूँ। गेम में स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं राइट साइड में ऑडियो फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब कि साउंड पूरा परफेक्टली क्लियर आ रहा है। नाउ आप साउंड को सुन कैसे सकते हैं, आपको हेडफोन कनेक्ट करना है मोबाइल में नहीं लैपटॉप में। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 3.5 mm वाला जैक यूज़ करते हुए अपना हेडसेट कनेक्ट किया है, तो मुझे गेम की जो भी ऑडियो है वो मेरे को मेरे हेडसेट में सुनाई देगा, मोबाइल से नहीं। मोबाइल में याद रहे अगर आप स्पॉट गेम खेल रहे हैं तो आपको माइक्रोफोन म्यूट रखना है, अगर आप म्यूट नहीं रखोगे तो आपको गेम का ऑडियो आपके हेडसेट में नहीं सुनाई देगा। लेकिन अगर आप वॉइस चैट करना चाहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ तो मैं सजेस्ट करूँगा आप डिस्कॉर्ड यूज़ करें, बस वही एक तरीका है। अगर आप मोबाइल से स्ट्रीम कर रहे हो तो आपको डिस्कॉर्ड यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो और आप भी अच्छी तरह से स्ट्रीम कर सके। लेकिन अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, सेटअप में कोई इश्यू होता है, प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। ये बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप बहुत ही आराम से स्ट्रीम कर सकते हो, अपना यूट्यूब चैनल पॉपुलर कर सकते हो। आई अंडरस्टैंड कि इसमें 20,000 रुपये का खर्चा है, बट वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आप कर लोगे और आप सीरियस हो कि आपको यूट्यूब पे सक्सेसफुल होना हो तो यही एक बेस्ट तरीका है मोबाइल से स्ट्रीम करने का। कोई भी एंड्रॉयड गेम स्पेशली पबजी आप स्ट्रीम कर सकते हो, अब तो COD मोबाइल भी आ चुका है तो आप वो भी स्ट्रीम कर सकते हो। इस मेथड से बेसिकली आप कोई भी एंड्रॉयड गेम स्ट्रीम कर सकता हो। तो आज के लिए इतना ही, अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।